हरे कृष्ण। परम भगवान श्री कृष्ण का दिव्य चरित्र मनुष्य को इस दावानल रूपी संसार में शांति प्रदान करता है। यह हमें भव सागर से मुक्त करवाता है और मार्गशीर्ष मास जैसे पवित्र समय में अगर इन दिव्य लीलाओं और चरित्रों का श्रवण या पठन किया जाए तो वो अवश्य ही इस भव सागर से मुक्ति प्रदान करता है। और इसी पवित्र मार्गशीर्ष मास में हम श्रवण कर रहे हैं परम भगवान श्री कृष्ण की सुंदर दिव्य लीलाओं का, जिसे हमने पुराणों से लिया है। मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि किस प्रकार नंद महाराज और यशोदा रानी ने अपने पुत्र कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार संपन्न करवाए और उसके बाद शुरू होती हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की दिव्य लीलाएं। पिछली कथा में हमने नल कुबेर और मणिग्रीव के उद्धार की कथा भी सुनी। चलिए अब आज की इस अध्याय का आरंभ करते हैं। ऋषि नारायण ने कहा, हे नारद मुनि, एक दिन नंद महाराज श्री कृष्ण को साथ लेकर वृंदावन में गए थे। वहाँ भांडिर वन में अनेक गौओं को चराने लगे। वह भूभाग स्वच्छ और स्वादिष्ट जल से भरा हुआ था। नंदराय जी ने अपनी गौओं को उसका जल पिलाया और स्वयं भी पिया। इसके बाद वे बालक को गोद में लेकर एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए और फिर मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी माया चलाई। अकस्मात ही आकाश को मेघमाला से आच्छादित कर दिया। नंद महाराज ने देखा कि आकाश बादलों से ढक गया है। वन का भीतरी भाग और भी श्यामल हो गया था। वर्षा के साथ जोर जोर से हवा चलने लगी। वज्र की दारुण गर्जना सुनाई देने लगी। मूसलाधार बारिश होने लगी। वृक्ष कांपने लगे, उनकी डालियां टूटकर गिरने लगी। और ये सब देखकर नंद राय को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे कि मैं गऊओं और बछड़ों को छोड़कर अपने घर को कैसे जाऊं, और अगर घर नहीं जाऊंगा तो इस बालक का क्या होगा। जब वे इस प्रकार सोच रहे थे कि उसी समय जल की वर्षा के भय से भगवान रोने लगे। उन्होंने पिता के कंठ को जोर से पकड़ लिया और उसी समय श्री राधिका श्री कृष्ण के पास आई। वे अपनी गति से राजहंस के गर्व का भंजन कर रही थी। उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी। नेत्र शरद काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे। वे अत्यंत दिव्य सुंदर और मनोहारी लग रही थी। उस निर्जन वन में उन्हें देखकर नंद राय को बड़ा आश्चर्य हुआ। नंद राय ने उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया। उन्होंने कहा, हे देवी, गर्ग मुनि के मुख से मैंने तुम्हारे विषय में सुना है और मैं जानता हूँ कि तुम श्री हरि की लक्ष्मी से भी बढ़कर प्रेयसी हो। साथ ही ये भी जान चुका हूँ कि ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से भी श्रेष्ठ निर्गुण और अच्युत हैं, और मानव होने के कारण मैं इस समय भगवान विष्णु की माया से ग्रस्त हूँ। हे भद्रे, अपने इन प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहाँ तुम्हारी इच्छा हो उन्हें लेकर जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण करने के बाद तुम मुझे मेरा ये पुत्र लौटा देना। इस प्रकार नंद राय ने भय से रोते हुए अपने बालक को राधा के हाथ में दे दिया। राधा रानी ने बालक को ले लिया और मुख से मधुर हास्य प्रकट किया और वो कहने लगी, बाबा, ये रहस्य दूसरे किसी पर प्रकट मत करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अनेक जन्मों के पुण्य फल का उदय होने से आपने आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है। गर्ग मुनि के वचन से आप इस विषय के ज्ञाता हो गए हैं और आप हमारे अवतार के सभी कारण जानते हैं। हम दोनों के इस गोपनीय चरित्र को किसी से भी कहीं पे भी मत कहिएगा। अब आप गोकुल में जाइए, आपके मन में जो भी इच्छा हो वो मुझसे वर मांग सकते हैं। श्री राधिका के इन वचनों को सुनकर नंद महाराज ने कहा, हे देवी, तुम अपने प्रियतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरी किसी भी वस्तु की मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। हे जगदम्बिके, हे परमेश्वरी, तुम दोनों के सन्निधान में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी को कृपा पूर्वक दे दो। नंद जी के ये वचन सुनकर परमेश्वरी श्री राधा बोली, हे व्रजेश्वर, मैं भविष्य में आपको अनुपम दास्य भाव प्रदान करूंगी और उस समय हमारी भक्ति आपको प्राप्त होगी। हम दोनों के चरण कमलों में आप दोनों की दिन रात भक्ति बनी रहेगी। आप दोनों सदैव हमारी परम दुर्लभ स्मृति में निरंतर बसे रहेंगे और मेरे इस वर के प्रभाव से माया देवी का आप दोनों पर आवरण नहीं डलेगा और अंत में मानव शरीर का त्याग करके आप दोनों ही गोलोक वृंदावन में पधारेंगे। इस प्रकार कहकर राधा रानी श्री कृष्ण को लेकर वहाँ से चली गई।
भगवान के स्पर्श से उनका सर्वांग पुलकित हो गया। उन्होंने रास मंडल का स्मरण किया और उसी बीच में श्री राधिका ने माया द्वारा निर्मित उत्तम रत्नमय मंडप को देखा, जो सैकड़ों रत्नमय कलशों से सुशोभित था। देवी राधा उस मंडप को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसके अंदर चली गई। वहां उन्होंने कपूर आदि से युक्त तांबूल और रत्नमय कलश में रखे हुए स्वच्छ, शीतल और मनोहर जल देखे। वहां सुधा और मधु से भरे हुए अनेक रत्नमय कलश थे। उस भवन के भीतर पुष्पमयी शैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमनीय पुरुष सो रहे थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा थी। उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ था। उनके दोनों चरण मणिन्द्र सार निर्मित मंजरी की झनकार से अनुरंजित हो रहे थे। और उसी समय राधा रानी ने देखा कि उनकी गोद में से अचानक वो बालक अदृश्य हो चुका था और उधर वो नूतन यौवनशाली पुरुष दिखाई दे रहा था। और ये देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। रासेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर मोहित हो गई। और उस समय श्री कृष्ण ने श्री राधा से कहा, हे राधे, गोलोक में देव मंडली के भीतर जो वृत्तांत घटित हुआ था उसका तुम्हें स्मरण तो है ना? पूर्व काल में मैंने जो कुछ स्वीकार किया है उसे आज पूर्ण करूँगा। तुम मेरे लिए प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय हो। मैं तुम्हारे अंदर व्याप्त हूँ। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता, जैसे स्वर्णकार सुवर्ण के बिना कुंडल नहीं बना सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि करने में असमर्थ हूँ। तुम सृष्टि की आधारभूता हो और मैं अच्युत बीज स्वरूपा हूँ। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे संयोग से सदा सर्व बीज स्वरूप होता हूँ। मेरा अंग और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है। इस प्रकार राधा रानी की अनेक प्रशंसा करने के बाद श्री कृष्ण उस मनोरम शैया पर विराजमान हुए और तब राधिका ने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर अपने प्राणनाथ से कहा, हे प्रभु, मुझे गोलोक की सारी बातें याद है। मैं जानती हूँ मैं उन बातों को कैसे भूल सकती हूँ। आप जो मुझे सर्व रूपिणी बता रहे हैं वो सब आपके चरण कमलों की कृपा से ही संभव है। ईश्वर को कुछ लोग अप्रिय होते हैं और कहीं कुछ लोग प्रिय भी होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करते उसी प्रकार उन पर आपकी कृपा भी नहीं होती। इस समय बातचीत में जो समय निकल गया वह एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग के समान है। आप मेरे वक्ष स्थल और मस्तक पर अपना चरण कमल रख दीजिए। मैंने आपके मुखारविंद पर अपनी दृष्टि डाली है और अब वो किसी और स्थान पर जाने में असमर्थ हैं। श्री राधिका के ये वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंसने लगे और फिर उन्होंने कहा, हे भद्रे, मैंने पूर्व काल में गोलोक में जो निश्चय किया था उसका खंडन नहीं होना चाहिए। मैं अवश्य ही तुम्हारा मंगल करूँगा। इस प्रकार भगवान के कहते ही ब्रह्मा जी श्री हरि के सामने उपस्थित हो गए। उनके हाथों में माला और कमंडलु शोभा पा रहे थे। उनका आगमन होते ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और आगम के अनुसार उनकी स्तुति की। उस समय उनके नेत्रों से अश्रु झर रहे थे। उनके अंगों में रोमांच हो आया था। फिर वे श्री राधिका के पास गए और माता के चरण कमल में मस्तक रखकर उन्होंने भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार किया। ब्रह्मा जी ने कमंडलु के जल से प्रसन्नता पूर्वक उनके चरणों का प्रक्षालन किया और फिर दोनों के सामने हाथ जोड़कर श्री राधा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। ये चरण सर्वत्र और विशेषतः भारत वर्ष में सभी के लिए परम दुर्लभ है। मैंने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर परमात्मा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी और उस समय वर देने वाले श्री हरि मुझे वर देने के लिए पधारे थे। जब उन्होंने मुझे वर मांगने के लिए कहा तो मैंने उनसे इस प्रकार कहा था, हे गुणातीत परमेश्वर, जो सबके लिए परम दुर्लभ है, उन राधिका के चरण कमल का मुझे इसी समय शीघ्र दर्शन करवाइए। और तब भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, हे वत्स, इस समय तो तुम मुझे क्षमा करो। योग्य समय आने पर मैं तुम्हें श्री राधा के चरणार विंदों का दर्शन अवश्य करवाऊंगा। ईश्वर की आज्ञा कभी निष्फल नहीं होती और इसीलिए आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए। हे माता, आपके ये चरण गोलोक में और इस समय भारत में भी सबकी मनोवांछा के विषय हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार से स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
ब्रह्मा जी द्वारा की गई इस स्तुति का जो भी पाठ करता है या फिर श्रवण करता है या फिर तीनों संध्याओं के समय में पाठ करता है वो निश्चय ही राधा माधव के चरणों की भक्ति और दास्य को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर श्री राधा ने कहा, हे विधातः, आपके मन में जो भी इच्छा हो वो वर मांग लीजिए। राधिका की बात सुनकर जगत के श्रेष्ठा ब्रह्मा जी ने कहा, हे माता, आप दोनों के चरण कमलों की भक्ति ही मेरा अभिष्ट वर है, आप उसे ही दे दीजिए। और विधाता के कहने पर श्री राधिका ने तत्काल कहा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद ब्रह्मा जी ने श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच में अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया। फिर श्री हरि का स्मरण करते हुए विधि विधान से अग्नि में आहुति डाली। उसके बाद श्री कृष्ण उठकर अग्नि के समीप बैठ गए। ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि से उन्होंने स्वयं हवन किया और फिर श्री कृष्ण तथा राधा को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए उन दोनों से वैवाहिक मंगल कार्य करवाए। 7 बार अग्निदेव की परिक्रमा करवाई। उसके बाद राधा रानी से अग्नि की परिक्रमा करवाई और श्री कृष्ण को प्रणाम करवा के राधा रानी को उनके पास बिठा दिया। फिर श्री कृष्ण से राधिका का हाथ ग्रहण करवाया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वक्ष स्थल पर राधिका का हाथ रखवा कर राधा के पृष्ठ देश में श्री कृष्ण का हाथ रखवाया और राधा रानी से 3 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने पारिजात के पुष्पों की मालाएं श्री राधिका के हाथ से श्री कृष्ण के गले में डलवाई और फिर श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्री हरि के हाथ से श्री राधा के कंठ में उस मनोहर माला को डलवाया। फिर श्री कृष्ण को बिठाया और उनके वाम भाग में मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री कृष्ण हृदया राधिका को भी बिठा दिया। उन दोनों से हाथ जुड़वा कर 5 वैदिक मंत्र पढ़वाए और फिर विधाता ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम करके जिस प्रकार पिता अपनी पुत्री का दान देता है उसी प्रकार श्री राधिका को उनके हाथों में सौंप दिया और इस प्रकार श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। विवाह मंडप के पास पारिजात के फूलों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गीत गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी और ब्रह्मा जी ने श्री हरि की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप दोनों के चरण कमलों में मेरी भक्ति निरंतर बढ़े, यही मुझे दक्षिणा दीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर श्री हरि ने कहा, हे ब्रह्मन, मेरे चरण कमलों में आपकी सुदृढ़ भक्ति हो, अब आप पुनः अपने स्थान वापस जाइए, आपका कल्याण हो। इस प्रकार भगवान का आदेश सुनकर जगत विधाता ब्रह्मा जी श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने लोक में चले गए। तत्पश्चात श्री राधा ने श्री कृष्ण के ललाट में तिलक करके उनके वक्ष स्थल में चंदन लगाया। फिर सुधा और मधु से भरा हुआ सुंदर रत्न पात्र भगवान को अर्पित किया। श्री कृष्ण ने उस सुधा का पान किया और उसके बाद श्री राधिका ने कपूर आदि से सुवासित सुरम्य तांबुल श्री कृष्ण को प्रदान किए। श्री हरि ने दिए हुए सुधा रस का मुस्कुराती हुई श्री राधा ने आस्वादन किया। इस प्रकार श्री राधिका से मधुर आदान प्रदान करने के बाद अचानक ही श्री कृष्ण शिशु रूप में आ गए। श्री राधिका ने अचानक देखा कि बाल स्वरूप श्री कृष्ण क्षुधा से पीड़ित हो रहे हैं। नंद महाराज ने जैसे भयभीत अच्युत को उन्हें प्रदान किया था उसी रूप में वे इस समय दिखाई दे रहे हैं। राधा व्यथित हृदय से लंबी सांस खींचकर नव तरुण श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। वे शोक से पीड़ित और व्याकुल हो गई और तभी आकाशवाणी हुई, हे राधे, तुम क्यों रो रही हो? श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करो। जब तक रास मंडल की आयोजना नहीं होती तब तक प्रतिदिन रात्रि में तुम यहाँ आओगी, अपने घर में अपनी ही छाया बनकर वहाँ उपस्थित रहोगी और तुम श्री हरि के साथ नित्य ही विराजमान होगी, इसलिए शोक मत करो और अपने इस बाल रूपधारी प्राणेश्वर को लेकर उनके घर चले जाओ। जब आकाशवाणी ने सुंदरी राधिका को इस प्रकार आश्वासन दिया तो उनकी बात सुनकर श्री राधिका ने बालक को गोद में उठा लिया और फिर वृंदावन से तुरंत नंद मंदिर की ओर चल पड़ी। नंद भवन में जाकर उन्होंने यशोदा मैया की गोद में उस बालक को दे दिया और इस प्रकार कहने लगी, मैया, व्रज में आपके स्वामी ने मुझे ये बालक घर पहुँचाने के लिए दिया था। भूख से आतुर होकर रोते हुए इस शिशु को लेकर मैं रास्ते भर यातना भोग रही हूँ। हे माता, आकाश बादलों से घिरा हुआ है, मार्ग में फिसलन हो रही है, अब मैं इस बालक का बोझ नहीं उठा सकती,
कृपया आप उसे लीजिए और उसे अपना दूध पिलाकर शांत कीजिए और मैं अपने घर वापस जाऊंगी। ऐसा कहकर राधा रानी ने शिशु कृष्ण को यशोदा मैया के हाथों में सौंप दिया और वापस अपने घर चली गई। और इस वृतांत का अंत करते हुए नारायण ऋषि ने कहा, हे नारद मुनि, इस प्रकार मैंने आपसे शुभद, सुखद और मोक्षदायक पुण्यमय श्री कृष्ण चरित्र सुनाया और अब मैं आपको उनकी आगे की लीलाओं का वर्णन करूंगा और इन लीलाओं का श्रवण करेंगे हम इसी मार्गशीर्ष मास कथा की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए और इन पवित्र और सुंदर कथाओं को अपने मित्रों तथा परिवारजनों को शेयर करते रहिए। हरे कृष्णा।